वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आप लोग को लेकर आया हूँ द आइडियाज एग्जीबिशन, जो कि हो रही है एक्सपो सेंटर कराची में। और इसका ये सीन था कि टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन पहले लिंक इन्होंने दी थी, लेकिन वो अब लिंक काम नहीं कर रही। तो हमें जो है वो नेशनल कोचिंग सेंटर, जो कि नेशनल स्टेडियम के सामने है, वहाँ से हमें अपने टिकट्स जो हैं वो मतलब खुद परचेज करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको ये पूरा प्रोसीजर बताता हूँ और फिर आपको जो है वो लेके भी चलता हूँ एक्सपो सेंटर में और दिखाता हूँ कि क्या सीन है वहाँ के। और एक्सपो का फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली यही फ़ायदा होता है इसका कि आपके बड़े पैमाने पे आपके जो है वो प्रोडक्ट्स की नुमाइश वगैरह हो रही होती है कि आप क्या चीज़ें बनाते हैं। तो पूरी दुनिया आके देखती है और आप पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि यार हम लोग ये चीज़ें बना रहे हैं। और अगर आप चाहो तो हमसे ट्रेड भी कर सकते हो, और उसमें बेसिकली आप ही का फ़ायदा है, ट्रेडिंग में ही होती है भाई। यहाँ तो फुल रश चल रहा है, देख सकते हो कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन है और खुद करवानी पड़ेगी। और बड़ी गंदी खबारी होने वाली है, अभी जो है लाइन में लगते हैं और उसके बाद फिर आपको अपडेट देते हैं कि क्या सीन है। फाइनली जो है वो सक्सेस जो हासिल होगी, कार्ड बनाने में कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा और थोड़ा पेशेंस रखेगा, काम आपका जो है वो अच्छा हो जाएगा।
बेसिकली यहाँ पे सारे रेफरेंस हैं, बात ये है कि रेफरेंस है कि पूरा एरिया जो है इसका रेफरेंस वाला एरिया है, ये हमारा पाकिस्तान है। सबसे अच्छा मुझे पवेलियन यही लगा है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाला। यार पूरे एक्सपो में हमारी आवाम को सबसे ज़्यादा मज़ा इस पर ही आ रहा है। मेरे को तुर्की का भी पवेलियन देखना था लेकिन विजिटर्स का अलाउ नहीं है, स्पेशल गेस्ट हैं वो ही अलाउ हैं। मैं देखना चाह रहा था कि तुर्की वाले क्या मतलब चीज़ें वगैरह एग्जीबिशन में शो कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओवरऑल तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एक्सपो का। कुछ कुछ पवेलियन तो हैं कि वो आपको ज़रूर देखने चाहिए, जिसमें पाकिस्तान आर्मी का पवेलियन है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पवेलियन है, वो आप ज़रूर विज़िट करेगा। इसके अलावा आप बैठ के भी देख सकते हो कि लोग जो हैं यहाँ इंजॉय भी कर रहे हैं और हमारी जो चीज़ें वगैरह एग्जीबिशन में लगी हुई हैं लोग को देख भी रहे हैं।